हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए काजू गरम मसाला से बनने वाले पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। आप इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। घर में रहने वाले इंग्रेडिएंट से आसानी से बन जाता है। इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही खिले खिले बनते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। पुलाव बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 कप बासमती राइस लेंगे। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसका पानी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने बासमती राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रखेंगे। मसाला पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप राइस लिया है, 8 से 10 टुकड़े काजू के, 2 चम्मच घी, 3 तेज पत्ता और कुछ गरम मसाले हैं, 1 जावित्री, दालचीनी का टुकड़ा, ब्लैक पेपर, 7 से 8 काली मिर्च, 1 फूल चक्री, 4 छोटी इलायची, 3 लौंग लिया है। चलिए पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव हम कुकर में बनाएंगे। यहाँ मैंने एक कुकर लिया है। गैस ऑन करके हम कुकर को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। कुकर गरम हो गया है, हम इसमें घी डालेंगे। घी हमारा गरम हो गया है, हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे। दालचीनी ऐड करेंगे। लौंग ऐड करेंगे। छोटी इलायची ऐड करेंगे। जावित्री ऐड करेंगे। चक्री फूल ऐड करेंगे। काली मिर्च ऐड करेंगे। और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे एक मिनट के लिए फ्राई करना है। हमारे गरम मसाले फ्राई हो गए हैं। हम इसमें काजू ऐड करेंगे। इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। काजू हमारे फ्राई हो गए हैं। हम इसमें बासमती राइस ऐड करेंगे। हम इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह से पुलाव बनाने से पुलाव हमारा बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें इससे बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस आता है और ये एकदम खिले खिले बनेंगे। चावल हमारे भुन गए हैं, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ 2 कप बासमती राइस लिया है, तो इसे कुक करने के लिए हम इसमें 3 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। आप भी इसमें गर्म पानी ऐड करें, इससे चावल खिले खिले बनेंगे।
मैंने यहाँ 3 कप पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें 1/2 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे, इससे पुलाव का फ्लेवर और बढ़ जाता है। और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम कुकर का लीड लगा देंगे। कुकर में 2 से 3 विसिल आने देंगे, फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारा काजू गरम मसाला पुलाव बन गया है। हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा पुलाव खिला खिला बना है। आप भी अपने घर में इसी मेथड से पुलाव बनाइए, आपके पुलाव कभी खराब नहीं होंगे। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और धनिया पत्ते से सर्व किया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।